ह्यूमन राइट्स फोरम और हमारा जो विकी वाटर रिसोर्सेज काउंसिल है और सिटीजन्स फॉर हैदराबाद और फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, हम चारों की तरफ से ये जॉइंट स्टेटमेंट आज हम लोग दिए कि ये जीवो 69 को जो रिप्लेस किया गया है जीवो 111 के बदले में, उसकी अंदर की जो झूठ और फरेब है उसको वापस से हम यहाँ पर बताए, और जल्द में पीपल्स कमिटी की भी स्टेटमेंट आ रही है। तो उससे पहले कुछ हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग भी हुई थी ज़मीन पे, ह्यूमन राइट्स फोरम भी करे और हम लोग भी करे थे, तो उस सिलसिले में आज हम ये मीटिंग जारी करें। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो जीवो 69 है, गवर्नर ऑफ़ तेलंगाना के नाम पे जो गवर्नमेंट ऑर्डर इश्यू करे तो कितना देख समझ के करना पड़ता है, बल्कि लोगों ने इसमें साफ साफ झूठ बात बता के इस पर किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो बड़ी झूठ है ये लिखे जो ये 69 में, कि सिर्फ 1.25% पानी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि हकीकत की बात यह है कि सिर्फ अगर हम जनवरी 1, 2022 से लेके अप्रैल 12, 2022 जिस दिन ये जीवो निकली है, उस टाइम की अगर हम कैलकुलेशंस जो करें हैं आंकड़ों के बराबर, 11,352 मिलियन गैलन्स जो है उस्मान सागर और हिमायत सागर से सिटी को पीने के लिए दिया गया था, वो पूरी जो ये जो है ना 4.56% तक की निकल रहा है, जबकि ये झूठ बता रहे हैं जीवो के अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर में 69 में कि सिर्फ 1% पानी इनको दिया जा रहा है, और जबकि दिया जा रहा है 4.5%। तो इतनी झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है, वो भी गवर्नर के नाम पे जो आप गवर्नमेंट ऑर्डर निकालते हो तो कितनी देख समझ की जिम्मेदारी से आपको करना पड़ता है। और दूसरी बात, जो जीवो 69 में ये लोग कह रहे हैं कि ये कमिटी ने रिपोर्ट देना चाहिए, और इसमें वर्ड्स यहाँ पर देखिए, एट दी अर्लीस्ट देना चाहिए। भाई ये कमेटी की सीरियसनेस इसी में मालूम हो रहा कि इनको एक मुकर्रर टाइम भी नहीं दिया गया कि आपने कब तक देना चाहिए। और ये जीवो 111 की बात ये है कि जीवो 111 तो दो दो एक्सपर्ट रिपोर्ट्स बने इसके ऊपर, हाइड्रोलॉजिस्ट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट वगैरह इस रिपोर्ट में दाखिल हुई, उनकी ओपिनियंस दाखिल हुई, और उस बुनियाद पर ये बनी है, कितनी फर्म है इसकी बुनियाद। जबकि आप 69 को जब आप कर रहे हो तो आपने कोई कमेटी रिपोर्ट नहीं किए, आपने सिर्फ कुछ कारण बताए, और वो कारण की झूठ और फरेब भी हम आपके सामने साफ जाहिर कर रहे हैं, और उसने झूठ और फरेब के बुनियाद पे आप इस जीवो 69 को लाए, और जीवो 111 तो पूरी एक्सपर्ट रिमेड्स के बुनियाद पे लाई हुई है, और उसके ऊपर से जीवो 111 में यहाँ पर खुला लिखा हुआ है इस पेज पे कि आप पोल्यूशन को, आप मेजर होटल्स, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, रेजिडेंशियल कॉलोनीज और एस्टेब्लिशमेंट्स बड़े बड़े को नहीं ला सकते, क्योंकि ये दो रिजर्वॉयर्स पोल्यूट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि पोल्यूशन को रोकने के लिए हम एसटीपीस लाएंगे और डाइवर्शनरी करेंगे। कहाँ डाइवर्ट करेंगे आप? मूसी नदी में डाइवर्ट करेंगे। और कौन सी एसटीपी हमारी पूरी हैदराबाद में, हमको बताइए कि कौन सी एसटीपी और कौन सी डाइवर्शनरी पाइप से कौन सी तालाब को हम अच्छा कर लिए? हुसैन सागर अच्छा हो गया, मीरालम अच्छा हो गया, आपको कौन सी दुर्गम चेरुआ अच्छा हो गया, कौन सी चेरुआ को आप अच्छा करें एसटीपी से लेकर डाइवर्शन टैक्सी से? तो ये जो उनकी बुनियाद है वो कोई सही रिजर्वायर को सही करने की, पीने के पानी की जो पोल्यूशन की बात कर रहे हैं उसके बुनियाद पे तो ये बिल्कुल नहीं है। अब आइए अब असली पॉइंट पे, 1921 में जब ये डैम कम रिजर्वायर जो उस्मान सागर बनी, और 1927 में जब हिमायत सागर की डैम और रिजर्वायर बनी, तब ये सब किस लिए बनी? क्योंकि 1908 में जो फ्लड्स आए उसके लिए जो उस्मान अली साहब अपने प्रीवियस निज़ाम है और विश्वेश राय जो इंजीनियर साहब है, ये दोनों ने मिलकर इसको जो खड़ा किए निज़ाम के ऑर्डर पे, वो डैम खड़ा किए ईसा नदी डैम पे, जो ट्रिब्यूटरी है मूसा नदी की, ईसा नदी पे आप लाए हिमायत सागर डैम को, और मूसा नदी पे आप लाए उस्मान सागर डैम को, और ये दो जो मूसी बह रही है वाड़ेपल्ली तक कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, इसको आप अवाम को ये एक नियमत बनना और ये अवाम के लिए एक दहशत नहीं बनना, इस बुनियादी चीज़ पे उन्होंने ये डैमों को खड़ा करे। तो लिहाजा ये नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट जो 2021 में निकली उसके तहत में ये दोनों डैम उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आ जाती है, और इस एक्ट में खुला लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट डैम अथॉरिटी बनाना चाहिए और स्टेट डैम सेफ्टी कमिटी बनाना चाहिए, और इसमें एक्सपर्ट्स होंगे और पूरी वाटर बोर्ड जो कि ओनर है ये दो रिजर्वायर्स का, वो लोग बैठेंगे और तब तय होंगे
होगा वो डैम की सेफ्टी, रिजर्वायर की सेफ्टी, इन सारे चीज़ों की डेफिनेशन उस्मान सागर और हिमायत सागर उस एक्ट के तहत में, उन रूल्स के तहत में इस स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट डैम सेफ्टी कमेटी और नेशनल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन उसके तहत में काम करना चाहिए। जबकि इन लोगों ने उसको ना बनाया नहीं, ना कमेटी बनाए, ना अथॉरिटी बनाए, ना उनके अंदर में ये पेश करे, वो कुछ नहीं करे। और ये चीज़ जो है अव्वल ये फ्लड्स का रोकने की जो काम कर रही है उसको नज़रअंदाज कर दिए आप, और आप इस बात की, आपकी 69 में इस बात की बेसिस ही नहीं है, उसकी जिक्र भी नहीं कर रहे आप कि जो कैचमेंट में उस्मान सागर हिमायत सागर की जो कैचमेंट 1,32,000 एकर कैचमेंट बता रहे हैं आप, तो उसमें आप वहाँ पर जो पानी फ्लड वाटर लार्ज एक्सेस कैटेगरी की जो गिर रही है इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बराबर में, ये जो रेन गिर रहा है 2016 में, 2017 में, 2020 में, 2021 में जो जो रेन्स गए हैं वो लार्ज एक्सेस कैटेगरी यानी फ्लड कैटेगरी के रेन्स है। आप उन बारिश के पानी का क्या करोगे? आप स्वेज के पानी के बारे में बात कर रहे हो कि STP बनाओ, डाइवर्ट करो, मूसी नदी में डाइवर्ट करो, कहाँ डाइवर्ट करो, किसकी फार्म हाउस में डाइवर्ट करने वाले हैं आप? तो ये आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो लार्ज एक्सेस रेन्स जो गिरे हैं, जो डाटा में रिकॉर्डेड है, जो आगे की प्रिडिक्शंस भी बता रहे हैं, उन रेन्स बारिश के पानी को आप क्या करोगे? आप कृष्णा नदी के पानी के लिए लड़ रहे हो, गोदावरी पानी के लिए लड़ रहे हो, आप आपके GHMC में उस्मान सागर रिजर्वायर जो नेमत है हैदराबाद सिटी के, उसकी कैचमेंट में जो ये पानी गिर रहा है, उस लार्ज एक्सेस बारिश की मीठी पानी के आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? आप कोई नए रिजर्वायर वहाँ खड़ा कर सकते हैं? 1,32,000 एकर्स में खड़ा कर सकते हैं आप? उस पानी को आप रख सकते हैं? आप हैदराबाद GHMC पूरी एरिया में इतना बारिश का पानी गिरता कि हम वाटर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम राजस्थान को पानी बेच सकते हैं, हम दुनिया में पानी की खाहत जहाँ आ रही पानी बेच सकते हैं, हम लोग पानी भेज सकते हैं, भेज सकते हैं हम लोग। तो उतनी एक्सेस पानी हमारे पास, मीठी पानी आ रही है, उसकी इंतजाम आप नहीं कर रहे, और जहाँ पानी गिर रहा है आप बोल रहे कि वहाँ मैं इमारत खड़ा करूँगा। GO111 ने प्रोहिबिट किया वहाँ पर इमारतों की, इंडस्ट्रीज की पॉलिटिक, और आप GO111 निकाल रहे हो और बोल रहे GO111 तो पोल्यूशन रोक रही थी। आप बोल रहे GO69 में कि आप पोल्यूशन लाने वाले हैं, क्योंकि आप वो पूरा पोल्यूशन का वो कंस्ट्रक्शन की परमिशन आप दे रहे हो। तो साफ है कि आपको पानी के, पीने के पानी के लिए आप क्या बोल रहे हो? आप दूर से ला रहे हो, कि मतलब ये है कि आप पानी दूर से ला रहे हो पियो, और यहाँ की बारिश के पानी में आप डूबो मारो। ये कौन सी सरकार की हिकमत है? ये इतनी नाइंसाफी सिर्फ चंद अय्याशियों के लिए ये लोग ज़रूरियात पे लात मार रहे हैं, ये सही नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। जिस दिन आप झूठ का सहारा ले रहे हो और जिस दिन आप फरेब करके आप बात बना रहे हो, एक इतनी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्डर में और लोगों में और हाई कोर्ट में और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, मतलब आपकी नीयत सही नहीं है। हमारी डिमांड सीधी सब, हम सब ऑर्गेनाइजेशन की एक ही है कि GO16 को आप फौरन बर्खास्त करो, क्योंकि वो झूठ की बुनियाद है, उसमें झूठा लिखे हुए हैं, और पूरी झूठ हम साबित कर रहे हैं उनके आंकड़ों से। और उसके बाद GO111 को बराबर रिस्टोर करना चाहिए। और सबसे अव्वल चीज़ हम ये बताएं, हम ये पिटीशन भी दे चुके हैं, रंगारेड्डी कलेक्टर को हम दे चुके हैं ये पिटीशन। ये क्या है? पूरी उस्मान सागर की मैप है जो कि हमने HMDA वेबसाइट से डाउनलोड करे, ये ऑफिशियल मैप है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मैप नहीं है। और इस मैप में आपको हम खुला दिखा रहे हैं, यहाँ पर है ओरो स्पोर्ट्स, ये ओरो स्पोर्ट्स जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं उसकी सर्वे हम जनरल मैनेजर ऑफ वाटर बोर्ड के साथ करें, वो रिजर्वायर के अंदर है। और ये मैप, ये ऑफिशियल मैप खुद बता रही कि इसके अंदर कितने कितने कंस्ट्रक्शंस हैं पूरे अय्याशियों के, और उसके अंदर कंपाउंड वॉल्स है, उसके अंदर पूरे फेंसिंग करा किया हुआ है, बड़े बड़े कंपाउंड वॉल है, पूरे अय्याशियाँ हैं उसके अंदर। और उसकी आप उसकी FTL एरिया कम कर चुके हैं 3,300 एकड़ से। इतनी सारी आप जो फरेब कर रहे हो, आपने चीफ मिनिस्टर है, आप पहले ये बोलना चाहिए था कि ये रिजर्वायर के अंदर कैसे, क्या आप रिजर्वायर की पोल्यूशन की बातें कर रहे हो? रिजर्वायर के अंदर की एंक्रोचमेंट इज द बिगेस्ट पोल्यूशन, तो एंक्रोचमेंट्स को आपने निकालने की बात क्यों नहीं की? आपकी सच्चाई आप हमारे सामने प्रूफ करिए। आप हमारी आपकी सच्चाई है तो आप पहले पूरी, आपके इस कलेक्टर के पास हम लेटर भी दे चुके हैं, अभी देखिए यहाँ पर
हम लोग जाके वहाँ पर आरआर कलेक्टर में दे चुके हैं हम ये, तो वो आप बराबर फौरन उसकी पूरी एंक्रोचमेंट रिजर्वर के अंदर निकालिए। फैक्ट फाइंडिंग के दौरान हम जब गए तो रिजर्वर के अंदर पूरी ज़मीन पड़ी हुई है रिजर्वर के अंदर, तो आप पूरी ज़मीन को ड्रेज करिए, उसके अंदर और पानी भर सकता। आप भरा भरा बोल के जो लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करके मूसी नदी में पानी छेड़ रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। आपकी रिजर्वर के अंदर पूरी ज़मीन पड़ी हुई है, आपने मेंटेन नहीं किए उसको, आपने उसको सिल्ट करना डीसिल्ट करना चाहिए, आपने वहाँ की ज़मीन को पूरी निकालना चाहिए। जो ज़मीन आप मेंटेन नहीं करने की वजह से अंदर पूरा गड्ढा बन गया है उसको आप निकालना चाहिए, एंक्रोचमेंट्स को आपने निकालना चाहिए, उसके अंदर और पानी इम्पाउंड हो जाएगा। और 1,32,000 एकर्स में आप फ्लोरिकल्चर करिए, हमारी एक प्रपोजिशन है गवर्नमेंट को। 1,32,000 एकर्स जो कि जीओ 69 में बताया हुआ है 84 विलेजेस की, वहाँ पर आप फ्लोरिकल्चर करिए, क्योंकि जीओ 111 के मुताबिक ऑर्गेनिक फार्मिंग परमिटेड है विदाउट फर्टिलाइजर्स विदाउट पेस्टिसाइड्स। वहाँ पर अगर आप उत्ती पूरी 84 विलेजेस में फ्लोरिकल्चर को आप एंकरेज करेंगे तो कितनी सारी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको रेवेन्यू हो जाएंगी, वहाँ पर पूरी दुनिया की फुटफॉल आ जाएंगी, आपको टूरिस्ट फुटफॉल हर किस्म से हैदराबाद उमदा ही चुमदा हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहे, दुनिया की सबसे बड़ी टी हब सेंटर हमने बनाए हैं गच्चीबोली के पास, कल की बात है, वो तो पूरी एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाएंगी तो वो पूरी ठप्पा पड़ जाएगा। लेकिन ये जो कुदरत की पानी आएंगी, कुदरत की ज़मीन पर आप फूल उगा रहे हो, पूरी दुनिया आपको पैसे देंगी इसके ऊपर, और आप पानी को पूरे इंपोर्ट करिए और पानी को एक्सपोर्ट करिए हर जगह। इस हिसाब से हमने दुनिया को बचाने वाला हैदराबाद बनना चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने जब डैम बनाए निज़ाम ने और सर विश्वेश्वरैया ने, उसकी हमने पूरी उसकी रियलाइज करना चाहिए, उसकी परफाउंडनेस को जाके हमने उस हिसाब से काम करना चाहिए, यही हमारी गुजारिश है। ना कि हम बोल रहे कि आप हिकमत से काम लो, आप झूठ का सहारा छोड़ो।